सजनों, बालू के खेतों में गौ चराते काफी दिन बीत गए। सरस्वती जी ने शिष्य भेजकर गौओं सहित राजू को वापिस बाता बुलाया। राजू को शिष्य बनाकर राजू से राजपुरी उनका नाम रख दिया। तो कुछ दिन बाद बाबा राजपुरी जी ने गुरुजी से देवी हिंगलाज के दर्शन करने की इच्छा जताई। तो स्वामी सरस्वती जी ने आज्ञा देकर माँ हिंगलाज देवी के दर्शन करने के लिए मंगल साधु के पास में पहुंचे। मंगल साधु के पूछने पर बाबा जी ने हिंगलाज देवी के दर्शन करने के बारे में बताया। मंगल साधु कहने लगे, सवेरे हर रोज झाड़ू देने के लिए आती है, सवेरे दर्शन कर लेना। वही शुभ दिन आया। सवेरे जब माँ हिंगलाज आई तो मंगल साधु ने दर्शन करने के लिए बाबा जी से कहा। तो बाबा जी कहने लगे कि मैं इस रूप में नहीं, मैं दर्शन करना चाहता हूँ माँ हिंगलाज जी के असली रूप में। तो राजू की क्या बातें होती हैं। किस रूप में दर्शन चावे से मन खोल सुना दे भाई, साक साक मन अपना असली रूप दिखा दे माई। किस रूप में दर्शन चावे से मन खोल सुना दे भाई, साक साक मन अपना असली रूप दिखा। चक्कर गदा कर मैं भला, शंख चक्कर गदा कर मैं भला, और गल में मोहन माला सवारी, गल में मोहन माला सवारी, शेर की बताई। साथ साथ मन अपना असली रूप दिखा दे जिसकी करता फिरे तलाश, जिसकी करता फिरे तलाश, इंगलाज खड़ी सुखास सामने, इंगलाज खड़ी सुखास सामने, दर्शन कर भाई, साक साक मने अपना असली